वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, रात के बजे हैं एक और मैं ये आपके लिए खबर लेकर आया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन की एट सिक्स पे और वाइट एजुकेशन पे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि आपके सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा के प्रीलिम्स का यहां पर रिजल्ट आ चुका है। करीब 50,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट का यहां सिलेक्शन हुआ है। इस ऑफिशियल अपडेट को मैं आपको दूंगा, उसके साथ साथ ऑफिशियल कट ऑफ भी बताऊंगा। मैंने आपको एक अपने चैनल के माध्यम से कट ऑफ के बारे में बताया भी था कि कितने क्वेश्चन आपको करके आने हैं, कि कितना परसेंटेज पे आपका कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आज ये ऑफिशियल कट ऑफ आ चुका है, तो इस वीडियो को देखते हैं कितना ऑफिशियल कट ऑफ गया है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको हम पहुंचा सके अपने चैनल के माध्यम से। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल YT एजुकेशन पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से तो हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी बिहार दरोगा के प्रीलिम्स की। और यहाँ पे आज रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले आपको यहीं पब्लिश करके दिया जाएगा ये रिजल्ट। तो ये वीडियो, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ करेंट अफेयर का सुबह का 6 बजे क्लास जरूर अटेंड करें। उसके अलावा सुबह के 10 बजे जनरल साइंस की क्लास दी जाती है आपके लिए, और शाम को 7 बजे यहाँ पे GK कराया जा रहा है, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए और बिहार सिपाही के लिए आपको रेगुलर क्लासेस दी जा रही हैं। तो इन सभी वीडियोज़ को लगातार देखते रहिएगा। वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हम लेकर चलते हैं अब आपको इस अपडेट पे, जो कि सबसे पहले आपको यहाँ से दी जा रही है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का रिजल्ट यानी कि परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं 1/2019 इसका एडवर्टाइजमेंट संख्या है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर को, जिसमें कि करीब 5,85,829 कैंडिडेट ने इसको फॉर्म भरा था, इस प्रारंभिक परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था। दो पालियों में दो दिन, मतलब 22 तारीख को एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, दो पालियों में। अब यहाँ पे सारे डेटाज आपको दिए गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में कितने कैंडिडेट के डेटा थे, या आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपियर इन फर्स्ट शिफ्ट, तो 2,45,968 कैंडिडेट थे। डेटा डिसक्वालीफाई कैंडिडेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा डिसक्वालीफाइड हुए हैं, टोटल 10,000 कैंडिडेट यहाँ पे डिसक्वालीफाइड हुए थे इस पहले शिफ्ट में। फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अगर टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट, तो ये बचे हैं 2,35,961, ये एग्ज़ाम दिए हैं फाइनली। अब सेकेंड शिफ्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 2,49,132 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसमें से कुछ डिसक्वालीफाई हुए, जो कि 9,677 कैंडिडेट हुए हैं। दोस्तों, आगे हम चर्चा करेंगे सेकेंड शिफ्ट में रिमेनिंग जो बचे हैं छात्र, यहाँ पे 2,39,000 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फाउंड फिट टू बी कंसिडर्ड द प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट को यहाँ पे मिला दिया जाए तो कुल होते हैं 4,75,416 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को फाइनली दिया। टोटल नंबर ऑफ पास एंड द फेल कैंडिडेट फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, ये कैलकुलेशन निकल कर आया 4,75,416 कैंडिडेट, ठीक है। चलिए, इसमें कि पास किए हैं 30% एबव, तो कितने, 2,78,463, और जो फेल हुए हैं जिन्होंने 30% से नीचे, जो कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 30% से नीचे अगर जह रहे छात्र तो फेल हो जाएंगे, तो उनमें है 1,96,980 छात्र। चूँकि पेपर लीक का भी मामला सामने आया था, तो बहुत सारे जगहों पे इसका अपोज किया गया, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दी थी। और यहाँ पे वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की, तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों जनरल के लिए जो वैकेंसी थी 825, EWS के लिए 207, BC के लिए 248, EBC के लिए 371, ST के लिए 330, ST के लिए 21 और BC वुमेन्स के लिए 62। टोटल वैकेंसी थी 2064, ठीक है, जहां पर 35% आरक्षण के साथ महिलाओं को 695 सीट अलग से भी दिए गए थे। ओके, यहां पे रहा दोस्तों कुछ वैकेंसीज़ की लिस्ट, जो कि मैंने आपको सारी डिटेल देखी, ये सब तो बता ही दिया था कितनी कितनी वैकेंसीज थी जेल अधीक्षकों के लिए और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल एग्जीक्यूटिव के लिए, है ना। अब चलते हैं हम थोड़ा यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर, ये सारी चीज़ें को देख लीजिएगा। कट ऑफ देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं, सेलेक्शन ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल,
है ना, तो ये पूरा देख लीजिएगा। और कितने छात्र यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट हुए हैं सुपरिटेंडेंट जेल एक सर्विसमैन के लिए, ये देखिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई गया है, करीब जनरल के लिए कट ऑफ गया है दोस्तों 85.6 मार्क्स, मार्क्स की बात कर रहे हैं, अगर परसेंटेज की बात करें तो 42% यहाँ गया है आपका ये परसेंटेज, ठीक है जनरल के लिए। जी हाँ, जहाँ पे 341 मेल यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 341 हुए हैं। EWS की बात करें तो 31 मेल हुए हैं जिसका कट ऑफ यहाँ पे 60.8 गया है, और जो कि यहाँ पे अगर परसेंटेज बात करें तो 30.4% है, 31 छात्र यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। BC में 100 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं मेल मेंबर में, EBC में 81, SC में 13 और ST में बिल्कुल नहीं, और टोटल बात करें तो 566 कैंडिडेट यहाँ पे मेल जो कि यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं टोटल में। ओके, आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर पुलिस, पुलिस सर्जेंट एंड द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो मेल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे 269 मेल्स और 35 फीमेल, EWS में 142 और 17 फीमेल, BC में 217 मेल और 12 फीमेल, EBC का वही हाल है 108 और 5 क्रमशः, SC के लिए 16 और 1, ST के लिए 4 और 1, टोटल अगर बात करें तो 756 और महिलाएं यहां पे 71 शामिल हुई हैं। किसके लिए? तो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए, जो कि फ्रीडम फाइटर से इन्होंने आवेदन किया था, उन सभी छात्र छात्राओं का ये रिजल्ट है। डेटा ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट, अब यहां पे बात करेंगे कितने सेलेक्टेड हुए हैं कैंडिडेट, तो टोटल कैंडिडेट देखिए यहां पे, देखिए मैं आपको टोटल दिखा देना चाहता हूं, फ्रीडम फाइटर वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके अगर यहां से देखा जाए और हर कैटेगरी को देख लिया जाए तो 49,506, ठीक है। अब डेटा ऑफ कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड तो ये 3704 नहीं हुए हैं सेलेक्टेड। अब आएंगे हम कट ऑफ पे दोस्तों, ये रहा वो कट ऑफ जो कि कल आपको ऑफिशियली आपके वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दिया जाएगा, तो ये सबसे पहले आज खबर में पब्लिश किया गया है इसको। तो देखिए जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया है ये देखिएगा 132.2, ये उसका मार्क्स का कट ऑफ है, ठीक है। इतना नंबर जिसको आया है जनरल में वो पास हैं, 66.1 परसेंटेज कट ऑफ गया है परसेंटेज की बात करें तो, ठीक है। फीमेल में अगर बात करें तो 88 मार्क्स वाली कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है जनरल कैटेगरी में, 44% यहाँ पे लाने पर यानी कि परसेंटेज जो है आपका आया है तो आप पास हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है। EWS की बात करें कट ऑफ की तो 117 नंबर गया है, है ना, मार्क्स यानी कि नंबर की बात करेंगे, और यहाँ पे फीमेल की बात करें तो 60 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, परसेंटेज यहाँ पे 30 है इसका, और यहाँ पे परसेंटेज जो है मेल का आपका 58.8 है। BC कैटेगरी की बात करें तो 125 गया है कट ऑफ, 125.2 है, परसेंटेज की बात करें तो 62.6%, और फीमेल में 72 गया है, 72.6% गया है यहाँ पे, और माफ़ कीजिएगा मार्क्स गया है, और 36.3 का परसेंटेज है ये। EBC 118 और AC 103, ST 116, ठीक है, और BC जो वुमेन है उनके लिए 64.2% गया है मार्क्स का, और ये 32.1% है इनका परसेंटेज। टोटल की अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे तो ये देख सकते हैं, कट ऑफ तो मैंने बता दिया, कट ऑफ बहुत हाई गया है, इतना कट ऑफ आज तक कभी नहीं गया था बिहार दरोगा में, और ये यहाँ पे टोटल बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में चयनित करीब 50,072 अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, विस्तृत परीक्षा फल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको एक और अपडेट दूंगा, लेकिन ये ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों, ये मुझे आप तक पहुँचाना था सबसे पहले, तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए, लेकिन एक बार विजिट करिएगा चैनल पे, सब कुछ दिखेगा यहाँ से, और इसका जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, Education@6 पे, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अब शुभ रात्रि, जाके सो जाइए आराम से और सुबह में इंजॉय कीजिएगा अगर आपका इतना कट ऑफ आएगा, और जैसे ही रिजल्ट को यहाँ पे वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा मैं एक और वीडियो बना के आपको अप टू डेट कर दूंगा। ओके,
तो ये रहा वो ऑफिशियल कट ऑफ इसके प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। शुभ रात्रि।